हेलो एवरीवन, आज हमें दो टॉपिक करना है. द वेरी फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट. और ये दोनों टॉपिक आपका एक्सरसाइज 13.2 का है, ठीक है. और इंपॉर्टेंट है, एक बात और याद रखेंगे, जो आपको आज करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों का दोनों जो है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, जो आपने प्रीवियस वीडियोज में किया है. और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है मैंने पार्ट वन में उसको बताया था, ठीक है ना. तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. और एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, कोई भी टॉपिक को अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, टाइम लगता है. मीन्स क्या होता है, एक ही पॉइंट को दो बार तीन बार मैं इंटेंसली बोलता हूँ कि ये बातें आपके माइंड में चली जाए. अगर आपको ऐसा फील होता होगा सर एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को जब बताता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं भी कैमरे में बता रहा हूँ. बच्चे जब सामने में होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, हाँ आपको समझ में आया, वो आंसर देते हैं, हाँ आ गया, तो फिर मैं आगे की तरफ जंप कर जाता हूँ. बट यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अगर डायरेक्ट किसी पॉइंट को एक लाइन में बता दूँ, ठीक है ना, एक बार बता कर फिर आगे चले जाऊँ, अब इसमें आप कितना रिसीव कर पा रहे हैं. इसलिए कभी कई बार ऐसा होता है कि मैं एक ही पॉइंट को दो बार तीन बार बताता हूँ, ठीक है ना. तो आप मुझे कमेंट करके श्योरली बताया करें कि आपको बातें एक बार में या दो बार में समझ में आ जाती है, या कई बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना. मैं ये नहीं चाहता कि आप अल्टीमेटली बोर हो. अगर कभी ऐसा होता है कि मैं चीज़ें रिपीट करूँ, तो आप तो स्किप कर सकते हो, आगे वीडियो को बढ़ा सकते हो, ठीक है ना. लेकिन मेरा इंटेंशन यही होता है कि आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का उसका बेस पता होता है ना, फिर क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होती है. बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज वेरी फर्स्ट वन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. ओके, तो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी. बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा. पहले मैं क्या करता हूं यहां पे कि मैं विद एग्जांपल आपको बताता हूं कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फिर इसके बेस पे मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा ये होता है, ठीक है ना. बिल्कुल ध्यान समझेंगे. सपोज हमारे पास एक बैग है, आपको माइंड को मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं. पहले डायरेक्ट समझ जाओ, उसके बाद फिर उसको मैं रिलेट करूंगा, ठीक है ना. मान लेते एक हमारा बैग है, ठीक है ना, और इस बैग में आपके पास 14 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है, ठीक है. इतनी बातें क्लियर है? अब यहां पे ये मैं कह रहा हूं कि आपको इसमें से दो बॉल्स निकालने हैं, सिमल्टेनियसली आपको दो बॉल्स निकालने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट. इस वर्ड पे आप ध्यान रखेंगे, मैंने यहां लिखा टू बॉल्स या टू ब्लैक बॉल्स. तो मैंने यहां पे लिख दिया टू ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट मैं यहां पे दो ब्लैक बॉल को यहां से ड्रॉ कर रहा हूं. इस वर्ड पे बहुत ही ज्यादा आप ध्यान देना, यहां हमने क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट हमें दो बॉल को निकाल ले, दोनों को दोनों क्या होने चाहिए, ब्लैक बॉल्स होने चाहिए. सपोज हमने हमें दो ब्लैक बॉल निकालनी है, तो हमने यहां लिख दिया दो ब्लैक बॉल्स, ये दो ब्लैक बॉल्स निकालने हैं. और फर्स्ट जो ब्लैक बॉल्स है ना, इसको हमने मान लिया कि हमारा इवेंट ई है. जो पहला ब्लैक बॉल मैं फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं उसको मैंने इवेंट ई मान लिया. और दूसरे वाले को हमने मान लिया कि हमारा इवेंट एफ है. इतनी बातें समझ में आ गई. हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग टू ब्लैक बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट. ये तो मेंशन किया हुआ यहां पे, विदाउट रिप्लेसमेंट है. अब ध्यान से समझेंगे यहां पे, जब हमें दो ब्लैक बॉल निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है, तो पहले तो हमें देखना कि ब्लैक बॉल्स कितने हैं. तो हमने देखा ब्लैक बॉल्स हमारा 14 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 20 है. इन दोनों को ऐड करें तो 20. अब मुझे एक बात ये बताएं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है, चांसेस. जब दो ब्लैक बॉल निकालनी है, तो जो पहला ब्लैक बॉल निकालने के जो आपके पास चांसेस है वो कितने हैं, 14. मतलब आपके पास 14 ब्लैक बॉल्स है, तो आप पहला ब्लैक बॉल 14 तरीके से निकाल सकते हो. कोई भी एक उन 14 ब्लैक बॉल में से कोई भी एक बॉल निकाल सकते हो आप, बट यू हैव चांसेस कितने, 14 चांसेस आपके पास है जिससे आप ब्लैक बॉल निकाल सकते हैं. तो मतलब आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना, 14 आउट ऑफ व्हाट, 20. मींस एक बैग में पूरा आपका मिक्स किया हुआ है 20 बॉल्स, उसमें 14 ब्लैक बॉल्स है, 6 रेड बॉल्स है, एक ब्लैक बॉल निकालने की चांसेस 14 है आउट ऑफ 20, ठीक है. अब समझेंगे यहां से रोल प्ले हो रहा है आपका. क्वेश्चन में क्या करना है, दो ब्लैक बॉल्स निकाल ले. आपने पहला ब्लैक बॉल निकाल लिया, पहले ब्लैक बॉल निकालने का इवेंट को आपने ई माना, मतलब आपने यहां क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला है. क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला है.
एंड अब क्या निकालना है, नेक्स्ट भी हमें ब्लैक बॉल ही निकालने हैं बट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब इसमें से जो आपने एक ब्लैक बॉल निकाल लिया, जैसे कि यहाँ 14 ब्लैक्स थे, 6 रेड बॉल थे, तो 14 में से एक ब्लैक बॉल निकाल लिया, तो अब यहाँ पे बॉल्स कितने बचेंगे, 13 ब्लैक बॉल्स बचेंगे, हाँ या ना। अब जो नेक्स्ट आपको ब्लैक बॉल निकालने हैं वो कितने में से निकालेंगे, अब 13 ब्लैक बॉल्स में से, आउट ऑफ विच 19, 13 ब्लैक बॉल्स बचे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आप कितने हो गए, 19 हो गए। तो अगला ब्लैक बॉल जो आपको निकालना है वो किस में से निकालना है, 13 आउट ऑफ 19। समझ में आ रही बात आपको, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की बात है यहाँ पे, इतनी बातें क्लियर। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कैसे है, वो यहाँ पे देखें। अब हमने क्या बताया कि पहला निकालने का हमारा 14/20 है, दूसरा 13/19 है। ये जो 13/19 अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, 13/19 जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ, ये एक्चुअली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमारे माइंड में ये चलेगा कि हमारा पहले वाला इवेंट ई है तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, बाद के इवेंट को हमने एफ माना तो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नहीं है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है जब हमारा इवेंट ई हो चुका है, इवेंट ई हो चुका है, इसको ही समझना है। क्या बोला मैंने कि आपने पहला ब्लैक बॉल निकाला, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकाला तो 14/20 हो गया। अब सेकेंड ब्लैक बॉल जब निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड ब्लैक बॉल निकालने के लिए ये पहले वाले पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट, क्योंकि आपने पहला ब्लैक बॉल निकाला उसके बाद ही आपने सेकेंड निकाला। जैसे सेकेंड निकाल ले हो तो देखो नीचे में टोटल आउटकम्स में इफेक्ट हो गया ना, यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने, तो 20 है, यहाँ पे कितने 19 है, मतलब ये वाला सेकेंड वाला जो ब्लैक बॉल निकाले हो फर्स्ट वाले पे क्या है, डिपेंडेंट है। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कब निकाला, मीन सेकेंड बॉल ब्लैक कब निकाला, जब आपने इवेंट ई कर चुके हो, तो इवेंट ई क्या था कि हमने पहले ब्लैक बॉल को निकाल लिया, ठीक है। अब इसको और मैं डिटेल करके बताता हूँ। अच्छा मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, हालांकि ये टॉपिक आपको इसके बाद वाला है इंडिपेंडेंट इवेंट से, ठीक है ना, वहाँ पे मुझे बताना है, लेकिन आप ज़्यादा विजुअलाइज हो जाओ कि ये इफेक्ट कैसे कर रहा है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट इवेंट जो आगे बताना है उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। एक छोटे से पॉइंट्स यहाँ बता देता हूँ, आपके पास कितने हैं, 14 और 6 है, 14 ब्लैक्स है और 6 रेड बॉल है, ठीक है ना। और यहां पे हमने कंडीशन क्या दिया था, विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर मैं यहां पे बोल दूं विद रिप्लेसमेंट, क्या बोल दूं, विद रिप्लेसमेंट, अगर मैं विद रिप्लेसमेंट की बात करूं और दो ही बॉल्स निकालने हैं, एक ब्लैक और दूसरा ब्लैक, दोनों बॉल्स जो निकालने हैं ब्लैक से निकालने हैं और विद रिप्लेसमेंट है, अगर मैं बोलूं कि पहला ब्लैक बॉल निकालो तो उससे निकालने की कितने 14 आउट ऑफ 20, तो आप इस 14 में से कोई एक ब्लैक बॉल निकाला, निकालने के बाद रिप्लेसमेंट अलाउड है, आपने फिर से उसमें ब्लैक बॉल डाल दिया। अब हमें सेकेंड ब्लैक बॉल निकालना है, तो सेकेंड ब्लैक बॉल निकालने की भी चांसेस कितनी होगी, 14 आउट ऑफ 20। क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड है, जो बॉल आपने एक बार निकाला उसको फिर से आपने रिप्लेस कर दिया, तो जैसे आपने निकाला तो यहाँ पर 13 ब्लैक बॉल्स हो चुके थे, बट आपने जैसे रिप्लेस कर दिया तो फिर क्या हो गया, 14th ब्लैक बॉल हो गए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर मैं इस वाले इवेंट को ई माना हूँ, इसको एफ माना हूँ, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और ये मेरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन में ई करने से कोई फायदा ही नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि अब इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, खुद देखो ना यहाँ पे इफेक्ट पड़ा ना, यहाँ पे चेंज हो गया ना, बट यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट में यही चीज़ तो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट में पढ़ना है, ठीक है ना। बट मैंने आपको वो चीज़ें अभी क्यों बताई कि आप कंपेयर कर सको कि ये डिपेंडेंट या इफेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट हो रहा नहीं हो रहा ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ये पहला वाला ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉब्लम वही है और बाद वाले के लिए भी वही है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, बट यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब पहला ब्लैक बॉल्स निकाल रहे हैं आप, ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं तो 14 आउट ऑफ 20, जब सेकेंड निकाल रहे हैं तो 13/19, तो सेकेंड वाला जो है पहले वाले पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो आप सेकेंड वाले को इवेंट को हमने क्या माना है, एफ माना है, क्या माना हमने एफ, मतलब प्रॉबर्टी ऑफ एफ निकाल रहे हैं जब हमारा ई मीन्स पहला वाला हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप क्या निकाल लें, दो ब्लैक बॉल्स निकाल लें, आप क्या बोलेंगे इसको, कैसे दो ब्लैक बॉल्स निकाले, मीन्स फर्स्ट ब्लैक बॉल एंड सेकेंड ब्लैक बॉल, जब दो ब्लैक बॉल निकालने की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाला भी हम क्या निकाल लें, ब्लैक बॉल निकाल लें एंड सेकेंड वाला भी क्या निकाल लें, हम ब्लैक बॉल निकाल लें। बात समझ में आ रही है, फर्स्ट भी ब्लैक बॉल निकाल लें, ब्लैक बॉल एंड सेकेंड वाला भी ब्लैक बॉल निकाल लें, ब्लैक ब्लैक का मतलब ये हुआ।
अब जैसे ये एंड आता है तो एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ये सेट्स में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, पीछे में बता चुका हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालने को आपने इवेंट क्या बोला है, ई, और सेकेंड ब्लैक बॉल निकालने को आपने क्या बोला है, एफ। मतलब क्या हुआ कि जो आप दो ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ई इंटरसेक्शन एफ हो रहा है इन दोनों के बीच में। अब इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, जो ये लैंग्वेज आपने लिखा है, क्या है हमारा, ई इंटरसेक्शन एफ है। मीन्स दो इवेंट की आप क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों ही निकाल रहे हैं, फर्स्ट बॉल निकाल लें देन सेकेंड बॉल निकाल लें, और इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं और अभी डिटेल करके बताता हूं आपको, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू और बताना चाहता हूं कि आपको और ज्यादा ही क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये सब चीजें तो आपको बाद में समझ में आई जाएगी। सपोज मैं यहां पर एक बात कह रहा हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना है कि एक हमारा अर्न है और इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि 6 रेड बॉल्स है, ठीक है ना, और 5 व्हाइट बॉल्स है और 9 ब्लैक बॉल्स है। या ऐसा करते हैं ना कि 4 ब्लैक बॉल्स ले लेते हैं, ठीक है ना, 4 ब्लैक बॉल्स है। अब मैंने यहां बोला कि आप इसमें से 2 रेड बॉल निकालो, 2 रेड बॉल बॉल्स निकालो और 1 ब्लैक बॉल निकालो। हमने क्या बोला, 2 रेड बॉल निकाले और 1 ब्लैक बॉल निकाले, लेकिन हमने बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब यहां पर रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। रिप्लेसमेंट अलाउड होते ही क्या बन जाएगा, वो इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएगा। आप क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, आप खुद देखिए नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 15 है, 6, 5, 11 + 4, 15। तो पहला ब्लैक बॉल निकालने की चांसेस कितनी होगी, जो फर्स्ट ब्लैक बॉल आप निकालेंगे वो हमारे पास, सॉरी फर्स्ट रेड बॉल जो निकालेंगे तो रेड बॉल 6 है आउट ऑफ 15। तो पहला रेड बॉल निकालने की जो चांसेस है 6/15। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, जैसे इसमें से आपने एक निकाल लिया, तो अब रेड बॉल कितने बचे, 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बचे, 14। तो अगला रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 5/14, फिर इनटू, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, ब्लैक बॉल निकालने हैं। तो ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है, 4 ब्लैक बॉल तो हमारे पास 4 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं यहाँ पे, कितने हैं, 13। क्यों 13 है, क्योंकि आपने इसमें से 2 रेड बॉल निकाल चुके हो, तो अब यहाँ पे 4 रेड बॉल होंगे। अब 4 + 5 9 + 4 13, मतलब 13 हमारे पास टोटल आउटकम्स है, उसमें से ब्लैक बॉल निकाल लें तो क्या हमारा 4, ठीक है। तो ये क्या है, ये अगर मान लो ये हमारा इवेंट ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे इसको ई मान लिया, ये एफ मान लिया, ये जी मान लिया। तो जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लिए हो ना, तो निकाल रहे हो आप, तो एफ निकाल रहे हैं ना, तो ये एफ जो है पहले वाले पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्या है, पहले वाले पे डिपेंडेंट है। दोस्तों कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब हमारा ई ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब हमारा ई ऑलरेडी हो चुका है, बात समझ में आई। और मैं इसकी बात करूंगा, किसकी बात, इसकी बात करूंगा, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। अब ये अगर मैं इसको जी मान चुका हूं, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकाल रहे हैं आप कब, जब आपका पीछे का दोनों हो चुका है, ई एंड एफ दोनों हो चुका है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, ये 3 पे है, जब 3 निकालना होता है ऐसे निकालते हैं, समझ में आई बात ना। तो ये तो सिर्फ आपको मैथमेटिकली समझने की बात है, मेन तो आपको ये करना है पेपर में, ठीक है ना। ये समझ में आ गया तो हो गया, इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि जो ये मैथमेटिकल प्रोसीजर है इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है ये, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें आप इसे। तो यहां पे देखें ये हमारा क्या होता है, ये मान लेते हैं हमारा 2 इवेंट है, एक इवेंट ई एंड एफ है, 2 इवेंट है, दोनों इवेंट हमारा सेम सैंपल स्पेस से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। दोनों का दोनों इवेंट हमारा सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएट कर रहा है। तो हमें बताना है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो हमें दोनों पे काम कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, और ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है ना, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। आप एक चीज नोटिस करें, अगर यहां पे ई है तो यहां डिवाइड में ई है, यहां पे एफ है तो यहां डिवाइड में एफ है। ये एक्चुअली है कुछ भी नहीं, ये दोनों का दोनों जो आपका है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही निकाला हुआ चीज है, दोनों का दोनों। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालो, ई अपॉन एफ निकालो, तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
अपॉन में होता है प्रॉपर्टी ऑफ एफ, कंडीशनल प्रॉपर्टी यही होता है। इसको यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे कितना आएगा, ये हो जाएगा पी एफ, ये यहां से हट गया तो बताए ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, प्रॉपर्टी ऑफ एफ इंटू में ई अपॉन एफ हो गया। अच्छा दूसरा अब मैं ये बताना चाहता हूँ, चलो पहले यहां पर देखते हैं, ये हमारा क्या प्रॉपर्टी ऑफ एफ है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा बोल दूं कि आप प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालो जब हमारा ई हो चुका है, पहले हमने क्या निकाला था ई निकालना था जब एफ हो चुका है, अब मैं बोल रहा हूँ एफ निकालो जब ई हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, बात तो एक ही होता है। तो हमने ई इंटरसेक्शन एफ लिखा, अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ ई हो गया आपको, ठीक है ना। अब दोनों को मैं कंबाइंड मर्ज कर रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ मैं कि इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एफ हो जाएगा, ठीक है यहाँ से हटा, और इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ ई हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ भी है, ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ भी है, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वली तो हो जाएगा, मतलब आप इन सबको एक साथ ये लिख सकते हो ना कि प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में प्रॉपर्टी ऑफ एफ अपॉन ई, ये ई किससे इक्वल हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एफ इंटू में प्रॉपर्टी ऑफ कितना यहाँ पाएगा, ई अपॉन एफ, ठीक है। इतनी बातें अगर मैं इसको दिखाना है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है ना। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया था, दोनों को दोनों ब्लैक बॉल्स लिए थे ना, अब बस इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि हम ना एक केस वन ऐसा कर रहे हैं, केस वन हम ऐसा कर रहे हैं कि मैं पहले ब्लैक बॉल निकाल रहा हूँ फिर एक हम रेड बॉल निकाल लें, पहले ब्लैक बॉल देन रेड बॉल, ब्लैक बॉल निकालने के इवेंट को हमने ई मान लिया और रेड बॉल निकालने के इवेंट को हमने एफ मान लिया, ठीक है ना। और हमारा कंडीशन वही है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमारा क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जो हम यहाँ से हमारा जो प्रॉपर्टी निकलेगा, बिल्कुल ध्यान से देंगे, ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉपर्टी कितनी आएगी, ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉपर्टी आएगी 14 आउट ऑफ 20 फिर इनटू, अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, एफ हमारा क्या हमारा है रेड बॉल है, रेड बॉल कितनी है 6 है आउट ऑफ 19, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 19, क्यों 19, क्योंकि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। जैसे आपने एक ब्लैक बॉल निकाल लिया, अब यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने बचेंगे, यहाँ ब्लैक बॉल बचेंगे 13, जब ब्लैक बॉल 13 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 19, उसमें से 6 रेड बॉल निकालने के चांसेस कितनी आएगी, सॉरी एक रेड बॉल निकालने के चांसेस कितनी होगी 6/19, मतलब आपने जो ये वाला पार्ट निकाला ये क्या निकाला, प्रॉपर्टी ऑफ ई निकाला, क्या निकाला आपने, ये प्रॉपर्टी ऑफ ई निकाला इनटू, ठीक है ना। अब ये आपने क्या निकाला, प्रॉपर्टी ऑफ एफ, प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकाला कब, जब आपका ई हो चुका है, ई हो चुका है तो आपने क्या निकाला, प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकाला यहाँ पे, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करने में 21/95 आ गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, आप यहाँ पे एक बात को देखें, यहाँ पे तो ये हमारा e है इनटू में क्या f अपॉन e है, और हम क्या कर रहे हैं e एंड f इन दोनों पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा प्रॉपर्टी ऑफ e इंटरसेक्शन f, क्योंकि दो इवेंट पे काम कर रहे हैं, है ना, e एंड f में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ e इंटरसेक्शन f आपको कितना हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ e इंटू में क्या f अपॉन e। अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है ना, केस टू ऐसा कर दूं, केस टू ऐसा कर दूं कि पहले मैं रेड बॉल कर दूं फिर आपको ब्लैक बॉल कर दूं, तो रेड बॉल को हमने क्या माना, एफ माना है, तो ये हमारा इवेंट क्या है एफ है, ब्लैक बॉल को हमने ई माना तो हमारा ये इवेंट क्या ई है। सेम चीज़ है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको दो बॉल्स निकालने हैं, एक रेड निकालना है एक ब्लैक निकालना है, तो आपको तो निकालना है क्या है एफ इंटरसेक्शन ई निकालना है, दो पे काम कर रहे हैं, एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ बातें की है, तो पहले हम क्या निकालेंगे रेड बॉल निकालेंगे, तो रेड बॉल निकालने की प्रॉपर्टी कितनी है 6, सॉरी रेड बॉल निकालने के चांसेस कितने हैं 6/20, तो ये 6/ कितना हो गया 20 फिर इनटू, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल जब निकालने हैं एक, तो ब्लैक बॉल कितने हैं 14, बट यहाँ से एक रेड बॉल निकल चुका था ये 5, तो टोटल आउटकम्स कितने 19, तो कितना होगा 14 अपॉन में 19, मतलब बाद वाला जो है पहले वाले पे क्या है डिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपने पहले क्या निकाला प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकाला है, क्या निकाला एफ निकाला है, और ये क्या निकाला आपने, ये यहाँ पे आपने निकाला है प्रॉपर्टी ऑफ ई, क्या निकाला है ई, कब, जब हमारा एफ हो चुका है, जब हमारा एफ हो चुका है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 टू जैसे ये 10 हो गया, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे ना तो सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना, 21 अपॉन में 95 आप कर लेना सॉल्व, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ बात एक ही है, तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एफ इंटू में ई अपॉन एफ, प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में एफ अपॉन ई, ये इस इंटरसेक्शन से इक्वल है, ये भी इससे इक्वल है, दोनों की वैल्यू कितनी आई, दोनों की प्रॉपर्टी कितनी आई 21/95, मतलब ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है,
तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना हो तो प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में एफ अपॉन ई निकाले या एफ इंटू में ई अपॉन एफ निकाले, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी? नो परेशानी। लेकिन एक बात आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूँ, कि यहाँ पे ब्लैक बॉल पहले निकालना था, तो पहले ब्लैक बॉल निकालने की प्रॉपर्टी कितनी थी? 14 अपॉन में 20। ब्लैक बॉल यहाँ निकालने का है 14 अपॉन 20, बट यहाँ पे ब्लैक बॉल यहाँ है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल निकालने का क्या है? 14 अपॉन 19। तो इंडिविजुअल्स ब्लैक पे काम कर रहे हैं, तो दोनों में जगह अलग अलग आ रहा है ना। यहाँ पर रेड कितना आ रहा है? 6 अपॉन 19, बट यहाँ पर रेड निकालने का 6 अपॉन 20, है ना। तो इंडिविजुअल्स अलग है, बट ओवरऑल देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसे कहते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। इसके बाद मैं इस पर एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद फिर हम करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल 9 है, इसमें गिवन आपको 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। बिल्कुल सिंपल है। इसमें कह रहा है कि आपको 3 कार्ड्स निकालने हैं सक्सेसिवली, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। और इसमें एक बात मेंशन कर दिया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट का निकालने हैं 3 कार्ड्स, ठीक है ना। पहले मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कार्ड्स को लेकर, ठीक है, कि आपको ये आगे तक हेल्प करेगा। 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, और इस 52 कार्ड्स में से आपको पता है कि 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। इस 26 रेड कार्ड में आपके पास 13 डायमंड होता है और 13 हार्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली ब्लैक कार्ड में 13 आपके पास स्पेड होते हैं और आपको 13 क्लब होता है, ठीक है। इतनी बातें अब देखें, इस 13 कार्ड, इस 13 हमारा डायमंड है, 13 हार्ट है, स्पेड है और क्लब है, जो इसे हम बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं उसे? आप सूट बोल सकते हैं, SUIT सूट, या रैंक भी बोलते हैं, ठीक है ना। कितने हमारे? 13, 13, 13, 13, ठीक है ना। एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं और इस तरीके से 4 सूट्स होते हैं, एक होता है डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। अब देखिए, इस जो 13 डायमंड में ना, इस 13 डायमंड में हमारे पास 4 स्पेशल कार्ड होते हैं। एक होता हमारा किंग होता है, एक हमारी क्वीन होती है, एक हमारा जैक होता है और एक हमारा एस होता है, एस, ठीक है, जिसको हम इक्का कहते हैं। अब याद रखेंगे ना, ऊपर का जो 3 है ना, टॉप 3 जो है, इसे हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड सही है। ये 3 ऊपर के, एस को छोड़कर, ये 3 हमारा फेस कार्ड है। ये जो 4 स्पेशल कार्ड, ये 13 से बाहर नहीं है, इस ये जो 13 के अंदर में ये 4 स्पेशल कार्ड है, जो 3 फेस कार्ड है, एक एस है, ठीक है ना। तो सेम यहां पे होता है, जो चीज यहां पे है वो यहां पे भी है, यहाँ पे भी, समझेंगे यहाँ पे। तो फेस कार्ड हमारे पास कितने हो जाएंगे? 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आपके पास कितने होंगे? 12। और नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा वो 4, क्योंकि एस हमारा एक डायमंड में है, एक हार्ट में है, एक स्पेड में है और एक क्लब में है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एस 4 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि 2 रेड कलर का एस कितना, सॉरी रेड कलर के एस कितने होंगे? 2 होंगे, एक हमारा डायमंड में होगा, एक हमारा हार्ट में होगा। चलो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे में। इस तरीके से 4 किंग्स होंगे, 4 क्वीन होगी, 4 जैक होगा और एक हमारा क्या होगा, सॉरी 4 हमारा क्या होगा? एस होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 13 में क्या लिखा हुआ है कि 3 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल 9 है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं, ठीक है ना, और 52 वेल शफल्ड कार्ड्स है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास हो गए, नंबर ऑफ कार्ड्स 52, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चराइज कर देता हूँ, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा, 3 कार्ड्स निकालने हैं और इसमें जो है 2 किंग्स है और एक एस है, एस को हमने ए मान लिया। जो किंग है पहला वाला, उसको इवेंट मैंने ई मान लिया, दूसरे वाले किंग को हमने इवेंट एफ मान लिया, तीसरे वाले एस को हमने इवेंट जी मान लिया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पिक्चराइज करता हूँ, उसको समझेंगे। आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उसमें से आपको क्या करना है? 2 किंग्स निकालने और एक एस निकालना है। तो मतलब ये है कि 52 में से 4 हमारा क्या होता है? 4 किंग होता है, 4 किंग्स होते हैं और इसमें हमारे को 4 एस भी होते हैं।
एस की बात की जा रही है तो एस भी हमारे कितने होते हैं, फोर होते हैं, चार किंग चार एस होते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब यहां पे देखेंगे और आपको क्या विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है, तो जो हमारा रिक्वायर्ड जो हमारा प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा कि हमें पहले किंग निकालना है, फिर किंग निकालना है, फिर एस निकालना है, फर्स्ट टू किंग्स देन एस, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा पहला किंग इसमें लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट द फर्स्ट टू कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस, ठीक है। तो पहला हमें किंग निकालने की प्रॉपर्टी क्या आएगी, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितनी है, फोर, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52। तो फर्स्ट किंग निकालने के जो चांसेस होगा वो कितना आएगा, 4/52, isn't it, है ना, फिर इनटू, अब हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट है तो इस फोर में से एक कार्ड निकाल दिए तो अब हमारे पास कार्ड किंग्स कितने बचे, किंग्स हमारे पास बचे 3, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे अब हमारे पास 51। तो नेक्स्ट किंग निकालने की प्रॉपर्टी कितनी आएगी, 3/51, तो ये हमारा क्या हो गया, 3/51, इतनी बातें क्लियर हो गई। जैसे यहां से आपने किंग निकाल लिया तो अब हमारे पास किंग्स कितने बचे, 2, और यहां पे नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल कितने बचे, 50। बट अब हमारा नेक्स्ट जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या निकालना है, एस निकालना है, एस को हमने क्या माना है, जी माना है, तो एस हमारे पास कितनी है, 4, टोटल कार्ड्स के हमारे पास कितने हैं, 50, तो एस निकालने की प्रॉपर्टी कितनी आएगी, 4/50। इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे देखें, अब हमारे यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ये मोर देन टू इवेंट्स के लिए है। अभी जो हमने इससे पहले एग्जांपल दिया था मोर देन टू, सॉरी वहां पे दो इवेंट पे दिया था, ई एंड एफ में, यहाँ पे ई भी है, एफ भी है, जी भी है, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं उसे निकालना है तो हमें तीनों पे काम करना पड़ रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो आप देखें पहला वाला निकाला उसको हमने ई बोला, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ ई पे काम किया, बाद वाला हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ है व्हेन हमारा ई हो चुका है, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ एफ जब हमारा ई हो चुका है, क्योंकि ये इस पे क्या है, डिपेंडेंट है। अब बाद में आप क्या निकाले, एस वाले इवेंट को हमने जी माना है, तो प्रॉपर्टी ऑफ जी निकाल रहे हैं कब, जब ये पीछे का दोनों हो चुका है, दोनों हो चुका है मतलब ई एंड एफ हो चुका है, तो एंड साउंड होता है हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका आंसर सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो आप या ई ऐसे एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटरसेक्शन ही होता है। मैं यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ ना लिखकर अगर मैं यहाँ पे ई एफ ऐसे लिख देता हूँ तो बात एक ही है, बात समझ में आ गई। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जो आपका फिनिश्ड हो गया है। अब इसके बाद हम करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है ना, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को लेकर इसने बहुत ही बेहतरीन एक एग्जांपल टाइप में बना रखा है, मैं इसी के थ्रू आपको डायरेक्ट समझाता हूँ और सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता क्या है, पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में मैं पहले डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था, एग्जांपल के थ्रू बताया था, ठीक है ना। या पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उस फॉर्मूले को एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूंगा कि फॉर्मूला एक्चुअली आपस में रिलेट कैसे कर रहा है, ठीक है ना। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट जो आपका होता है उसका फॉर्मूला होता है कि आपका दो इवेंट होगा ई एंड एफ, कोई दो हमारा इवेंट्स है और ये दोनों इवेंट एसोसिएट कर रहा हमारा सेम सैंपल स्पेस से, क्लियर इतनी बातें। और हमें क्या करना है कि इसका बताना, अच्छा एक बात और, ई एंड एफ जब ये दो इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि ई जो है एफ पे डिपेंडेंट नहीं है और एफ जो है ई पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एफ अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको ई की प्रॉपर्टी निकालेंगे ना तो ई की प्रॉपर्टी के लिए एफ का कोई रोल नहीं होगा, एफ की प्रॉपर्टी निकालेंगे तो ई का कोई रोल नहीं होगा, मतलब इवेंट ई को एफ इफेक्ट नहीं करेगा, इवेंट एफ को ई इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों आपस में क्या इंडिपेंडेंट है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ई इंटरसेक्शन एफ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको एक इवेंट ई गिवन है और एक एफ गिवन है, पूछा जाएगा कि या बताओ आपको कि क्या ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको उसके इंटरसेक्शन निकालने हैं और उसके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी निकालो, और वो अगर इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से, इसे हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, इसे क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, ये हमारा क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। ठीक है ना, बट ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट कब हो जाएगा, जब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है ना। एक बात बिल्कुल ध्यान समझेंगे,
जैसे कि हमने यहाँ डायरेक्ट बता दिया फॉर्मूला ये होता है हमारा, इस पर मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन वो फील नहीं होगा कि इंडिपेंडेंट क्यों है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसके प्रूफ के साथ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। टाइम लग रहा है ना, इसलिए टाइम लगता है। आप ये मत सोचना कि आपके वीडियो की लेंथ काफी लंबे लंबे हो जाते हैं, डायरेक्टली बता दो इंडिपेंडेंट क्या होता है। अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो डायरेक्ट बता दिया, इसके बेस पे आप डायरेक्टली जब मैं एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूंगा उसे देख लो आप, ठीक है ना। लेकिन आपको चाहते हैं कि नहीं आपको 100% मार्क्स चाहिए ना, तो आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, तो आप 100 की तरफ अप्रोच कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दो इवेंट लिए। एक इवेंट को हमने मान लिया, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसमें इवेंट गिवन आपका द कार ड्रॉन इज अ स्पेड, तो हमने यहाँ पे दोनों इवेंट लिख दिया। इवेंट ई हमारा द कार ड्रॉन इज ए स्पेड और एफ हमारा द कार ड्रॉन इज एन एस। यहाँ पे सैंपल स्पेस कितना होगा, नंबर ऑफ, आपको पता है नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। और हम पढ़ कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, द कार ड्रॉन इज अ स्पेड, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा, हमें स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं आउट ऑफ 52, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। एफ क्या हमारा, द कार ड्रॉन इज एन एस, नंबर ऑफ एस कितने होते हैं 4 आउट ऑफ 52। अगर मैं बोलूं यहां पे कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 4/52, मींस कितना 1/13। इतनी बात समझ में आ गई आपको, चलिए ठीक है। अब मैं यहां पर यह बोलूं आपको, मैं यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज कर रहा हूं। अगर मैं आपको यहां पर यह बोलूं केस 1 मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है, मैं ये बोलूं कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, क्या निकालना है ई जब हमारा एफ हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही होता है ना, अगर ई अपॉन एफ है मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है जब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है, क्लियर है, इतनी बात समझना है। यहाँ पे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता है, बट ई इंटरसेक्शन एफ अभी नहीं निकाला हमने, तो आप बताएं द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, स्पेड जो कार्ड होता है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं, उस 13 में एस कितना होता है, सिर्फ एक एस होता है, एस जो होता है चार जगह होता है, एक स्पेड में एक होता है, हार्ट में एक होता है, डायमंड में एक होता है, क्लब में एक होता है। अब यहां पे हमारे पास 13 कार्ड्स है, ये हमारा 13 कार्ड्स है, इस 13 में एक हमारा क्या एस होगा, अलग से नहीं, इसी 13 के अंदर में एक एस है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास 4 एस है, द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, यहां पे 4s है। अब बिल्कुल ध्यान से, ये जो 4s है, ये 4s किस किस का होगा, ये 4s जो हमारा है, एक होगा डायमंड का, D4 डायमंड, एक डायमंड का होगा, एक H4 हार्ट, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, ठीक है ना। उसके बाद और एक इसका रहा होगा क्लब का, एक रहा होगा क्लब का, तो यहां पे चार कार्ड है, चारों अलग अलग सूट के हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, स्पेड का यहां पे एक है और यहां पे भी 13 स्पेड में से एक एस होता है, तो दोनों में कॉमन क्या है 1s, समझ में आ रही बात। 4s में एक एस ऐसा होता है जो स्पेड का होता है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारा 1s, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा 1 एलिमेंट, जो हमारा एक एस होगा, उस इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी होगी 1/52, मतलब यहां पे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना 1/52। आपको समझ में आ रहा ना 1/50 क्यों हो रहा है, कि इन दोनों के बीच में जो आपको कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक एस है और आउट ऑफ 52, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कितनी होगी 1/52, तो ये वैल्यू पुट कर देता है यहाँ पे, इसकी प्रॉपर्टी कितनी होगी 1/52 और प्रॉपर्टी ऑफ एफ कितना आपका है 1/13। सॉल्व किया तो ये हमारा 1/4 हो गया, ठीक है ना। चलो केस टू करते हैं यहाँ पे। केस टू में मैंने क्या बोला कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालना है, पहले ई निकाला था, अब मैं कंडीशन ये दे रहा हूं कि आपको एफ निकालना है जब हमारा ई जो है इवेंट हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ लिखो, बात तो एक ही है, अपॉन में क्या आएगा प्रॉपर्टी ऑफ ई जो नीचे में होता है, यहाँ ऐसे आता है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपका 1/52 है पहले से, और प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना है 1/4 है, तो 1/4 हो गया, इसको इसे कैंसिल कीजिए, कितना गया 1/13। अब यहां से मैजिक देखें क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जितनी बातें आपको समझ में आ चुकी है अब उसके आगे समझेंगे। आपका ई इवेंट क्या था, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, आपने क्या निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, वैल्यू कितनी आ गई 1/4, यहां कोई कंडीशंस नहीं डाला था, आपने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला, हमारा 1/4 आ गया। बट यहां पे भी हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, कब, जब हमारा एफ गिवन है। बट हमने देखा कि जब मैं इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहा हूं, जब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ हमारा गिवन है, तब भी हमारी वैल्यू कितनी आ रही 1/4 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि जो इवेंट ई जो है इवेंट ई को एफ इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इवेंट ई जो है एफ पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो ही तो जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ई जो डायरेक्ट 1/4 निकला है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि हमें ई निकाला जब एफ गिवन है, बट स्टिल आंसर कितना आ रहा है 1/4 आ रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ई है वही हमारा ई अपॉन एफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे एफ जो इवेंट हमारा है वो ई को इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एफ पे ई डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और हमने कंडीशनल के लिए सॉरी इंडिपेंडेंट के लिए क्या कहा था कि ई एफ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, एफ ई पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे, क्या होंगे हमारे इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ ई अपॉन एफ है ये एक्चुअली है क्या है, ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ई ही है, क्या हमारा देखो प्रॉपर्टी ऑफ ई है, इसकी वैल्यू 1/4 आया है, इसकी वैल्यू कितनी आई 1/4, मतलब ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है हमारा ई है। अगर मैं इस वाले पार्ट को इससे इक्वेट करूंगा तो यहाँ पे क्या है ई इंटरसेक्शन एफ है, ध्यान से समझेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में कितना आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। अब बताएं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट कब होता है, जब ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वही चीज तो अप्रूव हो गया, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब एक का होने से दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े, बात समझ में। अब यहां पर एफ के होने गिवन होने से ई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ई अपना खुद का रोल प्ले कर रहा है। सेम यहां पे देखिए, अब यहां पे 1/13 है, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपने निकाला कितना 1/13 निकला, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने जब हमारा ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, यही तो हमारा है एफ जो है, एफ जो है हो रहा है कब, जब ई हो चुका है, बट हमने देखा कि जब एफ हो रहा है ई हो चुका है इसकी भी वैल्यू 1/13 है, डायरेक्टली एफ की भी प्रॉपर्टी कितनी 1/13 है, मतलब ये हमारा है क्या, ये एक्चुअली हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एफ ही तो है जो कि यहाँ पे हमारा क्या है 1/13 आ रहा है। अगर इन दोनों का आपस में अगर आप इक्वेट करेंगे, इन दोनों का आपस में इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटू में क्या हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एफ, सेम आ गया ना। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, कि एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। इसका मतलब हमारे को ये निकला कि आप प्रॉपर्टी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू में हमारा क्या हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ई ही हो रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ अपॉन ई जो हमारा हो रहा है वो भी हमारा क्या हो रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एफ ही हो रहा है, यही तो प्रॉपर्टी ऑफ एफ अपॉन ई भी हमारा दैट हो रहा है, ई अपॉन एफ भी हमारा ई हो रहा है, मतलब एफ के होने से ई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारा डायरेक्टली क्या निकला हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ई निकला। यहाँ पे ई के होने से एफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारा डायरेक्टली क्या हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एफ है, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से और समझा देता हूँ मैं, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रॉपर्टी जब बता रहा था उस वक्त बताया था, तो उसी के बेस पे मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। मान लो आपके पास 10 यहाँ पे रेड बॉल्स है, 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है विद रिप्लेसमेंट है, क्या है रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, विद रिप्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या निकालना है दो निकालने हैं, दो अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे आपको दो ब्लैक बॉल्स निकालने, दो ब्लैक बॉल्स निकालने हैं वो भी विद रिप्लेसमेंट निकालने, क्या निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट। तो आप बताएं इस वाले को अगर मैं इवेंट ई मान लूँ, इस वाले को इवेंट मैं एफ मान लूँ, तो हमें क्या निकालना प्रॉपर्टी ऑफ ई एंड एफ निकालना है, तो एंड आ रहा था मतलब इंटरसेक्शन। अब बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, पहला ब्लैक बॉल निकालने की चांसेस कितनी हमारे पास 5 आउट ऑफ विच आउट ऑफ 10, पहले निकालने के चांसेस क्या है 5, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं 5 और हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 15, ठीक है। क्या बोला है विद रिप्लेसमेंट, जैसे आपने यहां से एक ब्लैक बॉल निकाला तब यहां पे 4 ब्लैक बॉल हो गए, फिर आपने वापस रिप्लेस कर दिया तो फिर से 5 ब्लैक बॉल्स हो गए, अब नेक्स्ट ब्लैक बॉल निकालने की भी चांसेस कितनी है कि 15 होगा, ठीक है ना, 5/15 जो टोटल टोटल आउटकम्स कितने हमारे यहां पे टोटल हमारा यहां पे 15 है, ठीक है ना, समझ मेरी बात। तो आप देखिए पहले वाले ब्लैक बॉल निकालने की चांसेस कितनी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ई है, और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हम दूसरा एफ निकाल लें, क्या एफ निकाल लें कब जब हमारा ई हो चुका है अपॉन में ई, बट जब हम ई निकाल लें उससे इस पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या, जो ये है इंडिपेंडेंटली अलग है, ये भी हमारा इंडिपेंडेंटली अलग है, इसलिए एफ अपॉन ई हमारा क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एफ ई है, समझ में आ गई बात। तो यही हमारा क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट से, बस खत्म, याद रहेगा। बस एक बात याद रखिएगा आप, कभी कभी आपको देखिएगा क्वेश्चन में लिखा रहेगा सक्सेसिवली निकालना है या साइमल्टेनियसली निकालना है, तो याद रखेंगे जब सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट हो, सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट हो तो उससे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो किस में चला जाता है इंडिपेंडेंट में। सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, क्या बोला मैंने सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट है तो हमारा कहां जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी चला जाएगा वो,
समझ में आ रही बात आपको? इसमें आप बिल्कुल भी अपने माइंड को कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन कर लें, इसके बाद मैं इसके बेस पे एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है। एग्जांपल 10 देखिए, इसमें गिवन है आपको अ डाई इज थ्रोन। एक डाई को थ्रो करते हैं, तो एक डाई को थ्रो करने पर आउटकम्स कितना आएगा? सैंपल स्पेस हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अ डाई इज थ्रोन, इसमें एक बोला इवेंट ई जो हमारा है, नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ई इवेंट जो है उसमें वो लाइक जो नंबर आपका आ रहा है ना, वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब कितना आएगा? मल्टीपल ऑफ 3 कितना है? 2 आएंगे, 3 और 6। और एफ के बारे में क्या बोल रहा है यहां पे? एंड एफ बी द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज इवन, मतलब एफ के अंदर में जो भी आपको एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? इवन आ रहा है। तो 2, 4, 6, इसमें इवन क्या है? 2, 4, 6। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। बताना है आपको कि ये हमारा ई एंड एफ जो दो इवेंट है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो कोई बात, इंडिपेंडेंट के लिए हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालनी है और प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ ई निकालेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना आ जाएगा? ये 2 एलिमेंट्स है आउट ऑफ 6, ठीक है। तो 1/3। अब हमने क्या निकाला? प्रॉपर्टी ऑफ एफ निकाला, और प्रॉपर्टी ऑफ एफ कितने हैं? 3 है आउट ऑफ व्हाट? 6, 3 आउट ऑफ 6। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/2। तो पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया? प्रॉपर्टी ऑफ ई को मल्टीप्लाई कर लिया प्रॉपर्टी ऑफ एफ से। तो प्रॉपर्टी ऑफ ई कितनी है? 1/3। एफ हमारा 1/2, मीन्स कितना गया? 1/6 आ गया। तो हमने ये वाला क्वेश्चन निकाल लिया। अब हमें ये देखना, अगर इसकी वैल्यू भी 1/6 हो जाएगा तो इंडिपेंडेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो आपका है, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये वाला पार्ट, 6 वाला पार्ट कॉमन है। तो एक एलिमेंट है 6 जो दोनों में कॉमन है। अगर मैं बोलूँ इसकी क्या निकालो, इसकी प्रॉपर्टी निकालो, तो 6 एक एलिमेंट हमारा है आउट ऑफ 6, ठीक है ना। तो देखो ये जो है इसके इंटरसेक्शन से इक्वल हो गया ना, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ई इनटू में प्रॉपर्टी ऑफ एफ के, है ना। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये दोनों को दोनों हमारे क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। कमिंग वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। बट 13.2 वीडियो वॉच करने से पहले आप ट्राई खुद से करें कि 13.2 के जो भी क्वेश्चंस है आप खुद से करें, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को जो एग्जांपल दिए थे, जो कॉन्सेप्ट दिए थे, उसके बेस पे आप खुद से कर सकते हैं 13.2। फिर नहीं आता है देन गो टू वॉच हमारा जो कमिंग वीडियो, उसको वॉच करें, ठीक है ना। अगर इसमें जो भी एग्जांपल्स गिवन है, अगर एग्जांपल्स आप बहुत ही केयरफुली कर लेंगे ना, तो जो एक्सरसाइज है आप खुद से करने के एबल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि पहले मेरा वीडियो ही देखो, पहले आप खुद से करो। जब खुद से आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, जब नहीं हो रहा है देन वॉच वीडियो, तो यही आपका जो माइंड डेवलप करेगा। डायरेक्ट का वीडियो देख ले रहे हैं तो आप अपने माइंड को कोई वर्क ही नहीं किया। जब वर्क ही नहीं करोगे तो फिर माइंड आपका डेवलप ही नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो चलिए हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, गुड नाइट।